आज है हमारा डे 4। आज हम बात करेंगे लाइटिंग के बारे में। जो आप एग्जांपल देख रहे हो ना, एक बॉक्स लिया मैंने जो कि पेपर का है, और यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक लाइट सोर्स यहाँ पे आपको दिख रही है। लाइट सोर्स मीन्स कि जहाँ से लाइट आती है और उसके अपोजिट साइड में शेडो गिरती है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक लाइट का, जैसा कि सन का मैंने साइन बना दिया, इसका मतलब कि वो लाइट है। और यहाँ पे देख रहा हूँ ना, शेडो जो शेप के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपका बॉक्स है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग शेडो गिरता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थोड़ा एक लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से लाइट्स होते हैं। तो पहला हो गया लाइट, जिससे हमारे घर में या फिर हमारे जो भी हम बाहर होते हैं नेचर में ना, लाइटिंग जहां से आती है, जैसे सन हो गया बाहर से, और घर के अंदर हमारा लाइट जो होता है ना, वो हो गया की लाइट, जिसमें मेन सोर्स हो जाता है। जो यहां पे देख रहा हूं ना कि इसमें हो सकता है कि घर के अंदर अगर आप देखोगे ना, हो सकता है कि कई सारे लाइट्स हो, कई सारे शेडो हो, जिसमें सबसे हार्ड शेडो होता है ना, ये वाला देख रहा हूं, वो होता है हमारा की लाइट, जिसके थ्रू हमारा शेडो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरा, और ये होता है फिल लाइट। फिल लाइट बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको पता भी चलेगा। जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ ना कि ऊपर वाले में ना, जो बॉक्स का ऊपर का साइड है ना, तो वहाँ पे आपको की लाइट हिट कर रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्राइट है। उसके अपोजिट साइड जो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये हो गया थोड़ा डार्क साइड है, लेकिन फिर भी लाइट दिख रही है आपको, उसका टेक्सचर पता चल रहा है। तो ये हो गया फिल लाइट। तो यहाँ पे अभी आपने देखा ना कि दोनों में आपको डिफरेंस बता दिया कि की लाइट कौन सा है और फिल लाइट कौन सा है, और ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करता है। और यहाँ पे कई सारे शेड्स होते हैं, जैसे मान लो कि टेक्सचर कोई भी हो सकता है, जैसे ये वाइट ऑब्जेक्ट है तो इसमें शेडिंग होगी, थोड़ी लाइट शेड होगी। जैसे मान लो कि कोई भी एक ग्रे कलर का है बॉक्स, या फिर अलग अलग तरीके के, जैसे वुडन हो गया, या फिर हो सकता है कि ग्लास का हो गया, ग्लास में सबसे लाइट शेड होता है ना, वो शेड होता है। और जैसे जैसे आप करोगे, जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा हमारा लाइट। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिख दिया मैंने की लाइट, आपके पास हो गया फिल लाइट। आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है ना, इनफैक्ट वेजिटेबल ही क्यों ना हो, उसको भी आप रख के डिफाइन कर सकते हो कि की लाइट कौन सा है और फिल लाइट कौन सा है। तो तीसरा यहाँ पे आ गया रिम लाइट। ये बहुत ट्रिकी है, ट्रिकी इसलिए है ना कि इसका यूज़ हम क्यों करते हैं स्केचिंग में, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एक, मैं एक सर्कल के थ्रू आपको बता देता हूँ, मैं एक यहाँ पे देख रहा हूँ ना कि इसमें आपको की लाइट पहले कर दिया, उसके बाद फिल लाइट हो गया, उसके नीचे क्या है ना, वो भी आपको बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले लाइट शेड, जो भी आप ऊपर का जो शेड, कई सारे शेड्स बनाए ना, तो वो शेड बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि की लाइट आपको कौन सा देना है। तो की लाइट जो है ना, उसका शेड कर लिया। अब यहाँ पे जो है ना, ये फिल लाइट है, और उसके नीचे जो होगा ना, वो भी एक डार्क शेड होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि फिल लाइट, जैसे अब ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, तो वो ग्रेजुअली लाइट की तरफ जाता है, डार्क से लाइट की तरफ जाता है। तो नीचे का पोर्शन जो होगा, एकदम जो अपोजिट साइड ऑफ लाइट होता है, वो डार्क होगा। तो उसको हम थोड़ा डार्क करेंगे, कई सारे शेड्स कर देंगे, उसके बाद ग्रेजुअली ऊपर की तरफ लाइट लेके जाएंगे। अब देखो, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट कहीं तो रखा हुआ है ना, कहीं तो वॉल है, कहीं फ्लोर है, तो आप मान लो कि ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है उसके पीछे एक वॉल है, बैकग्राउंड तो बनाना ही है। हम जब भी ड्राइंग करते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, या फिर आप कोई ह्यूमन कैरेक्टर ही क्यों ना बना, वो कहीं ना कहीं तो खड़ा है ही। तो यहाँ पे लाइट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। देखो, ये वॉल है। अब ये वॉल है, तो अभी क्या होता है ना कि मैंने शेडिंग वॉल की कर दी, क्योंकि वो पीछे की साइड है तो डार्क है। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी अगर कंप्लीट मैं उसको डार्क कर दूँ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका फीचर क्या है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, वो डिफाइन ही नहीं होगा कि कहाँ पे है, वो कहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो इसके लिए ना, आपको किसी एक लाइट की ज़रूरत पड़ती है, जो हम ड्रॉ करते हैं। अभी देख रहा हूँ ना कि एकदम ही स्मज हो गया, मतलब ब्लेंड हो गया, अब पता ही नहीं चला कि उसका शेप क्या है। आप बैकग्राउंड में अगर कोई चीज़ें रख दोगे, इतना डार्क कर दोगे, दोनों को डार्क कर दोगे, तो पता नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ पे एक इरेजर लिया, इरेजर से अब क्या कर रहा हूँ ना, मैं उसको, उसके जो एकदम लास्ट वाला जो एजेस है ना, उसको मैं थोड़ा ब्राइट करूँ, हल्का सा ब्राइट। ये हो जाता है रिम लाइट, जिससे मैं क्या होता है ना कि लाइट जो हिट कर रही है ना, वॉल पे भी हिट करती है, और वॉल पे हिट करने के बाद ना, वो बाउंस होके ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो वो क्रिएट करता है एक रिम लाइट। रिम लाइट स्पेशली आपको मैं फीचर बता देता हूँ क्यों यूज़ होता है। रिम लाइट जो होता है ना, स्पेशली मूवी वगैरह में या फिर 3D करेक्टर्स वगैरह में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इनफैक्ट पोर्ट्रेट वगैरह पे भी यूज़ करते हैं, जो हम आगे की क्लासेस में हम लोग जानेंगे। इसलिए होता है ना कि जो भी आपका बैकग्राउंड है ना, तो बैकग्राउंड से सेपरेट करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी दिखाने के लिए, वो वहाँ पे होती है रिम लाइट। अब यहाँ पे देखो, अभी नीचे जो है ना, हम लोगों ने फिल कर लिया। अब एक और होता है,
इसमें क्या होता है ना कि आप जैसे मैं पहले तो इसको शेड कर ले, एक एक फीचर को ना हम डिफाइन करते हुए जाते हैं। जैसे कि फिल लाइट है हमारा, तो नीचे का फिल लाइट है ना उसको हम लोगों ने डार्क कर दिया। अब ये डार्क करने के बाद जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे पहला जो मैंने माउस दिखाया था आपको एकदम बिल्कुल ही डार्क है, तो उसमें शायद उतना पता ना चले जहाँ पे देख रहे हो ना, कि फिर भी आप माइन्यूटली हल्का सा उसमें दिखा सकते हो कि वो क्या था। वो था जैसे फ्लोर है ना, फ्लोर पे भी लाइट हिट करती है, लेकिन वो बाउंस होने के बाद ना ऑब्जेक्ट जो है ना उस पर रिफ्लेक्ट करता है लाइट, हल्की सी लाइट उस पर भी जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंस लाइट। फ्लोर से रिम लाइट वॉल से आया, और हमारा जो बाउंस लाइट होता है ना वो फ्लोर से, फ्लोर पे भी हिट किया, हिट करने के बाद वापस से जो इम्पैक्ट पड़ता है ना ऑब्जेक्ट पे, वो होता है हल्का सा होता है, मतलब जो फिल लाइट है वो एकदम डार्क होगा, उसमें हल्का सा एक इम्पैक्ट डालोगे तो वो हो जाएगा बाउंस लाइट। अब यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं शेडो, और शेडो में भी आप दो तरीके के होते हैं। एक शेडो तो कंप्लीट शेडो, जो क्या होता है ना कि कोई भी आप खड़े होते हैं या फिर आपने हाथ रखा या फिर बॉल रखा तो शेडो क्रिएट हो जाता है। उसके बीच में एक जहाँ पे बॉल रखा गया है ना फ्लोर पे, वो दिखाने के लिए हमें ड्रॉ करना होता है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब कि जब तक हम दोनों का कॉन्टैक्ट नहीं दिखाएंगे ना तो पता नहीं चलेगा और लगेगा कि ये फ्लोट कर रहा है हवा में जा रहा है। तो ये जो अभी बताया हम लोगों ने शेडो किया, और लेकिन जो एकदम स्टार्ट में जो हम लोगों ने एक पतली सी लाइन बनाई थी ना वो है कॉन्टैक्ट, उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट शेडो। ये भी बनाना बहुत जरूरी है, इसको आप समझिए। तो यहाँ पे बाउंस हो गया, यहाँ पे रिम लाइट हो गया, बाउंस जैसे देखे ना, और बाउंस बहुत ज्यादा एकदम ब्राइट भी नहीं होगा, उसको हल्का कर देंगे, उसको उसकी इंटेंसिटी को हल्का कर देंगे। तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं, कई सारे कोर्सेज भी हैं। अगर ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, और वहां पे लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।